ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम समय में सिर्फ मन द्वारा ही सेवा होगी, अर्थात जिसका मन शक्तिशाली होगा वही लास्ट में सेवा कर सकेगा। अगर मन में कोई कमजोरी होगी तो वो आत्मा खुद ही भारी होगी, दर्द में होगी तो कैसे दूसरों की सेवा कर सकेगी। बाकी और सब सेवा के साधन फेल हो जाएंगे। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये अभ्यास सभी को रोज करना है। अभ्यास है, मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप अति पवित्र और शांत है। मुझ में बाबा की सर्व शक्तियां समाई है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मेरे संपर्क में कैसी भी आत्मा आती है, मैं सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना ही रखती हूँ। चाहे कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करे या कैसी भी परिस्थिति खड़ी कर दे, सबके लिए मेरे मन से शुभ भावना शुभ कामना ही निकलती है। मैं आत्मा किसी के भी अवगुणों को चित्त पर नहीं रखती हूँ, बल्कि रहम दिल बनकर उस कमी कमजोरी को देखते हुए शुभ भावना शुभ कामना का दान उसे देती हूँ। ये शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति मेरे मन को और भी पावरफुल बनाती जा रही है, साथ ही सबको कमी कमजोरी से बाहर निकलने के लिए बल दे रही है। हर आत्मा का बल बन रही है। एक दिन इस शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति से हर आत्मा का कल्याण हो जाएगा और सभी अपनी कमी कमजोरियों से बाहर निकल जाएंगे। ये बाबा के महावाक्य है, ये ड्रामा में नूंद है। शुभ भावना में कमी, दूसरों के अवगुणों को चित पर रखने से हमारा मन कमजोर होता है, इसलिए इसका त्याग कर दें और सबको श्रेष्ठ दान दें। ओम शांति।